स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 13.7 एंड इट इज़ द कैपेसिटर्स एंड द कैपेसिटेंस. सो अभी तक हम चार्जेस की बात करते आ रहे थे कि चार्जेस जो हैं पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, किस तरह की फील्ड लाइन्स बनेंगी, इनवर्ड होंगी, आउटवर्ड होंगी, एंड वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर करेंगी तो दोनों की फील्ड लाइन किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं. इसी तरह ये तमाम चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की. ठीक है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया. अब हम करना चाह रहे हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, सो कैपेसिटर बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो उस चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक जो हमने बात की थी वो चार्जेस की थी. अब अगर हम चार्जेस को स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चार्जेस को अगर हम देखें कि प्लस क्यू है, इसके करीब एक चार्ज ले आए तो अट्रैक्ट कर गया या रिपेल कर गया, लेकिन ये जो है ये थोड़े टाइम के लिए होती है. अगर हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं किसी एक जगह के अंदर, किसी एक चीज़ के अंदर, और हम अपने जो पर्पज़ के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो जस्ट ये जैसे ही मीट करेंगे कोई ना कोई फंक्शनिंग होगी, उस फॉर द टाइम बीइंग हम उसको यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, द डिवाइस दैट कैन स्टोर द चार्ज. ठीक है, स्टोर द चार्ज. सो इसमें जो है चार्ज बहुत इजीली स्टोर हो सकते हैं. अब होता क्या है बेसिकली कि कैपेसिटर दिखने में किस तरह का होता है, ये दो प्लेट्स होती हैं मेटल की. ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास मेटल की दो प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे बल्कि पैरेलल ही होंगी. ठीक है, अब ये पैरेलल प्लेट्स के इस तरह से प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत थिन मेटल प्लेट्स होती हैं, ज़्यादा थिक नहीं होती. ठीक है, बहुत थिन होती हैं ये, तो मैंने थोड़ा इसको थिक करके बनाया बट बहुत थिन होती हैं. दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल एक दूसरे के रखी होती हैं एंड इनके दरमियान जो है कोई ना कोई मीडियम होता है. मीडियम अब एयर भी हो सकती है, उसको भी एज अ मीडियम लेंगे, या हमारे पास कोई शीट है, कुछ भी चीज़ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मीडियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, थिन मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, एंड ये हमारे पास क्या है, मीडियम. और इस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक. आइदर यहाँ पे एयर भी हो सकती है, यहाँ पे कोई थिन शीट फिल्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन कोई ना कोई मीडियम ज़रूर प्रेजेंट होता है. एंड हम जितना भी डिस्कस करते हैं उसमें मोस्टली जो है हम एयर को ही लेते हैं कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के दरमियान जो है हमारे पास एयर मीडियम प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये तो हमारे पास जस्ट टू प्लेट्स थी और हम क्या कह रहे हैं, हम इसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाना चाह रहे हैं. इसका मतलब है हमें यहाँ पे जो चार्जेस हैं यानी प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर करवाना है. अब वो हम किस तरह करवाएंगे, देखें उसके हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े. उसको हम कंडक्शन से भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसको हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंड उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तब भी हम इन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है, सो अगर हम इंडक्शन के केस में देख लेते तो क्या होता, किसी हम प्लेट को करीब लाते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज की प्लेट को करीब लाएं, तो यहाँ पे चूंकि दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होती है पहले, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव सारे यहाँ पे जो है बन जाएंगे. ठीक है, अरेंज कर लेंगे अपने आप को, तो सेकंड साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अरेंज कर लेंगे, तो इस तरह क्या हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया. अदर केस में, कंडक्शन के केस में हम देख लेते हैं कि ये दो हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, तो इनके साथ अगर हम किसी और रॉड को लाके जो कि चार्ज है उसको टच करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव किया तो यहाँ पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा सारा, तो इस तरह भी हम चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड जो अब हम मेथड पढ़ने लगे हैं वो है बाय बैटरी. ठीक है, सो बैटरी से लेट सपोज ये हमारा एक कैपेसिटर है. ठीक है, यानी टू थिन प्लेट्स हैं, हमने क्या करना है, इनके दरमियान मीडियम प्रेजेंट है चाहे वो एयर हो, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, बैटरी को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के तरीके. अब कैपेसिटर होता तो किसी और तरह का, जिस तरह आप फैंस में कैपेसिटर्स देखते हैं, अब वो इस तरह को तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन ये उसके रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, कि हम दो तीन मेटल प्लेट्स को इस तरह से पैरेलल रखते हैं. अब बैटरी को किस तरह बनाते हैं, ये वायर्स होती हैं एंड इसके साथ ये बैटरी का साइन हमें शो होता है, और जो बड़ी साइड होती है उसको पॉजिटिव रखते हैं एंड छोटी साइड को नेगेटिव रखते हैं. सो ये हमारे पास बैटरी को रिप्रेजेंट करने का वे है. ठीक है, अब चूंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा.
ठीक है, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ से क्या आ रहे हैं नेगेटिव, सो नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब दोनों के दरमियान मीडियम प्रेजेंट था, अब देखें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और किस तरह से इनकी फील्ड लाइन बनेगी, इस तरह से, ठीक है, कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। एंड पॉजिटिव के केस में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होती है, आउटवर्ड, ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या लग रही है कि ये यहाँ से आउटवर्ड जा रही है। नेगेटिव के केस में पढ़ा इनवर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से बाहर जा रही है और इसके अंदर एंटर हो रही है, तो ये हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है, ठीक है। सो अब देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, अब ये बाउंड हो गए, ठीक है। बाउंड होने का मतलब है अगर आप इससे ये बैटरी हटा भी देंगे तो इनके ऊपर अब चार्जेस आ चुके हैं, इन्होंने एक दूसरे को बाउंड कर लिया, तो ये इन्होंने क्या कर लिया, चार्ज को स्टोर कर लिया, ठीक है, और इस चार्ज को हम बाद में अपने जो है वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कैपेसिटर, और कैपेसिटर को चार्ज करके किस तरह हम स्टोर करवा सकते हैं चार्ज को, वो भी हमने तरीका पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हम दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमने बैटरी अटैच की हुई थी, बैटरी से पोटेंशियल दिया, यानी यहाँ पे जो भी चार्ज थे उनके ऊपर वर्क डन करवाया है, तो वो यहाँ पे आके शिफ्ट, उन्होंने शिफ्टिंग की है अपनी और स्टोर हुए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई ना कोई इसका पोटेंशियल है, ठीक है। अब जितना हम ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो क्यू है चार्ज वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के। जितना बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, जितना पोटेंशियल हम ज़्यादा देंगे उतना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट एंड वी। सो यहाँ पे हमारे केस में कांस्टेंट क्या चीज़ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी वी, वेयर सी इज़ द कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी तक जो हमने स्टडी किया वो हमने देख लिया कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज कर सकती है, स्टोर कर सकती है एक चार्ज को, ठीक है, देन हम लोगों ने उसको चार्ज कर लिया बैटरी लगा के, देन हमने कह दिया कि जितना चार्ज स्टोर हुआ है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और पोटेंशियल यहाँ पे क्यों डिवेल्प हो रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों के अपोजिट चार्जेस होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिवेलप हुआ है, और यहीं पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने के लिए, इसलिए पोटेंशियल क्रिएट हो गया। जितना हमारा चार्ज प्लेट्स के ऊपर आएगा वो डिपेंड करे कितना पोटेंशियल हम दे रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आया वो सी है, एंड सी क्या है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। सो ये जो कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो किस हद तक किसी चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, ठीक है। कुछ की कैपेसिटेंस कम होती है, यानी वो कम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, लेट सपोज वो जस्ट 1, 2, 3 इतने चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ की ज़्यादा है, कुछ की और ज़्यादा है, सो ये डिपेंड करे सी पे कि हमारी जो एबिलिटी है वो कितनी है उस कैपेसिटर की, कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब अगर हम सी को सेपरेट आउट करना चाहें तो सी सेपरेट आउट होकर हमें क्या फॉर्मूला देगा, क्यू ओवर वी, ठीक है। एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं हमारे पास फेरेड, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये फेरेड बताता है कि इस कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है, 10 फेरेड होगी तो अच्छी कैपेसिटी होगी कि ये चार्ज को स्टोर कर सके, 20 है तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसी तरह कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू बढ़ती जाती है, इट मींस कि इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। सो अगर हमें 1 फेरेड को जो है इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो हमारे पास क्या होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज दैट कैन प्रोड्यूस 1 वोल्ट डिफरेंस, ठीक है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर सकता है चार्ज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ फेरेड। सो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज प्लेट के अंदर स्टोर हो रहे एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट करवा रहे, सो तब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी 1 कूलम्ब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट स्टोर हो गया, ठीक है, क्रिएट हुआ एंड इट विल इक्वल टू 1 फेरेड। सो यहाँ से हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। सो ये था हमारा कैपेसिटर्स एंड द कैपेसिटेंस, के कैपेसिटर्स क्या होते हैं एंड कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। एंड जो हमारे पास फेरेड के जो और यूनिट्स हैं वो माइक्रो फेरेड भी हो सकते हैं, नैनो फेरेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह के ले रहे हैं, क्योंकि फेरेड एक बड़ा यूनिट है एंड नैनो फेरेड जो है वो स्मॉल यूनिट है, सो स्मॉल में भी हम कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उसके बड़े जो यूनिट हैं उसमें भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।